ये हमने अपने मंदिर पर भी लाइट लगाई है, मंदिर को सजा दिया है। ये पिछली बार की लाइट है, हमने कोई न्यू लाइट नहीं ली। यूट्यूब फैमिली, तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है धनतेरस, और धनतेरस की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9, और घर का मतलब झाड़ू वाड़ू लगा दिया, पोंछा नहीं लगाया है मैंने, साफ सफाई भी मतलब कर दी है, अभी पोंछा नहीं लगाया। और सुबह से ही हमारे यहाँ पे आज बारिश आ रही है 6 बजे से, 6 बजे तो बहुत तेज बिजली कड़क गई थी, और मैं सो रही थी तो मैं सोच रही थी आज पता नहीं क्या होगा, सुबह से बिजली कड़क रही है। और अपने बेटे को स्कूल जाना है नहीं जाना है, उसके स्कूल में कॉम्पिटिशन है दिवाली का। तो गाइज दिखाओ, मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह से बारिश आ रही है, मतलब तो बंद हो गई है। चलो बाहर लेके चलते हैं, मैं आपको दिखाते हैं बाहर कैसा मौसम हो रहा है। सुबह से ही मौसम बारिश आ रही है, मतलब हल्की हल्की बूंद आ रही है, बंद हो गई, और ज़्यादा ठंडा हो जाए क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश के बाद तो ठंडा होता है। और गाइज सोचो अगर दिवाली पर बारिश आई तो हम कैसे दिए जलाएंगे, कैसे पटाखे फोड़ेंगे। तो गाइज धनतेरस को बारिश आ गई है, तो दिवाली में पता नहीं, चलो 2 दिन है, 1 दिन है भी छोटी दिवाली के बीच में, फिर भी मौसम का कोई पता नहीं, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे यहाँ करवा चौथ से पहले से ही शरद पूर्णिमा से ऐसा धुंधला टाइप का धूप भी कम निकल रही है। तो गाइज चलो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आज हम अपने घर पर क्या लाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब यह है कि आज धनतेरस है तो घर में साफ सफाई भी होगी, और कहते हैं गाइज मैंने भी सुनाया है काफ़ी, मतलब ज्योतिष वगैरह वो कहते हैं आज के दिन नमक लाना घर पर, उसका यूज करना, और धनिया बहुत शुभ माना जाता है। तो आज जो घर में नमक का पोंछा भी लगाऊंगी मैं, बोलते हैं कि नमक का पोंछा भी लगाना चाहिए घर में, जितनी भी हमारे यहाँ ये सब उल्टी सीधी विपदा होती है वो सारी निकल जाती हैं। तो गाइस बनी रही ब्लॉग में। तो गाइस देखिए मैं पोंछा लगा रही हूँ, मैंने रूम वगैरह में तो लगा दिया नमक का ही पोंछा लगाया, आंगन में आ गई हूँ, और बहुत ही हल्की धूप निकली है, मतलब ये बारिश तो आ रही है जा रही है, मतलब कपड़े वगैरह भी बहुत ही मतलब मशीन में वॉश कर दिए थे और ड्राई भी कर दिए, बट अभी बहाने डाले क्योंकि बारिश बार बार पर आ रही जा रही है, और दिमाग भी ख़राब हो गया, पता नहीं दिवाली पर बारिश आ गई है। तो गाइस देखिए अब पहुँचा घर की साफ़ सफाई तो ये सब तो करनी पड़ेगी। तो देखिए गाइस जब मैं लगा रही हूँ सारे में लगा दिया, आंगन में लग गया पहुँचा। गाइस देखिए नमक मंगा लिया हमने, इससे हम खाना बनाएंगे। गाइस दोपहर के 12 बज गए हैं, किचन में आ गई हूँ खाना बनाने, लंच बनाने। तो खाने में बनाए, सो गाइस देखिए मम्मी ने बनाए लौकी के कोफ्ते और कढ़ी, और लौकी कोफ्ते ज़्यादातर मम्मी बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं, हम ही बना लेती हैं पर वो ही बनाती हैं। देखिए कितने टेस्टी बना, और बनाऊंगी मैं इनके साथ परांठे क्योंकि धनतेरस को कुछ ना कुछ नया लेती हैं। तो वैसे हमारे घर पर बर्तन तो बहुत हैं, सब चीज़ है वैसे, तो मैंने एक चमचा भी थे पर एक ज़रूरत पड़ती है, जैसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं, बर्थडे वगैरह होते हैं बच्चों के, तो एक मैंने चमचा मंगाया है, देखिए हम उसे यूज़ करेंगे आज। और मैंने बर्तन नहीं मंगाया क्योंकि काफ़ी बर्तन है हमारे यहाँ पर, और हमारी शॉप है तो उस पर भी आते रहते हैं। झाड़ू भी आ गई है हमारे घर पर, और इसी से झाड़ू लगाएंगे जब अपने पूरे घर में, फूल झाड़ू मंगाई आज हमने, अब वाली झाड़ू सीख वाली दिन दिवाली वाले दिन मंगाएंगे, उसी दिन की पूजा होती है ना उसके। देखिए हमने अपने मंदिर पर भी लाइट लगाई है, मंदिर को सजा दिया है। ये पिछली बार की ये हमारी बंदरवार है, और मैंने इस पर भी लाइट लगा दी है, छोटी छोटी लगा दी है मैंने, और इस पर भी लगाई है, वो भी जलाई नहीं है, इस ये वाले जला दी है। सो गाइस अभी हमने अपने दरवाजे पर लाइट नहीं लगाई है बाहर, क्योंकि बारिश आ रही है हमारे यहाँ पर, तो बारिश में सारी लाइट ख़राब हो जाएगी, और आंगन भी मैं आपको दिखाई थी। तो गाइस आप बताना आपने भी आज धनतेरस को क्या क्या मंगाया, हमारे यहाँ पे तो ये सामान आया है, तो मैंने आपको एंड आज हमने ये मंगाया था धनतेरस को अपने यहाँ, जो मैंने आपको दिखाया ब्लॉग में। तो गाइस आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस, तो मिलते हैं दिवाली वाले ब्लॉग में, बाय गाइस।